आज हम फुल बॉडी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, जिसमें कि अगर आप जंपिंग से परहेज करना चाह रहे हैं, आपके घुटने में ज्यादा दर्द है, फिर भी आप चाहते हैं कि अपने कोर को मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, तो आप यह जरूर कीजिए। इसका नाम है मित्रों डंकी किक, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं गधे की लत्ती, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है। तो आइए हम गधे से भी सीख लेते हैं। यही समय है मित्रों, हमें किसी भी लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से सीखने में परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। तो आज हम डंकी से सीखते हैं कि कैसे डंकी किक मार के, लत्ती मार के अपने पैरों को तो मजबूत रखता ही है और उसके कोर भी मजबूत रहते हैं। तो आइए इसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि इसका स्टार्टिंग पोज है। इस स्टार्टिंग पोज से हम लेफ्ट ये आ गए, दोनों हाथ हमारे कंधे के नीचे हों, पैर के बीच आप हिप विड्थ पर रख सकते हैं और लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों टो को इस तरह से रखिए और यहाँ फोर्सफुल किक मारिए, जितना ऊपर जा सकता है ऊपर ले जाए और फिर वापस इसे जमीन में टच नहीं कराना, ये सीधा रखना तो सीधा, और यहाँ जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं Exhale, आपके अपर बॉडी ऐसे ही होना है। यहाँ फोर्सफुल किक मारिए, ये 16 टाइम्स। ये हम अपने काफ मसल पर, थाई मसल पर और एब्डोमिनल पार्ट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उन सभी ऑर्गन्स को पर भी हम मसाज करें। और ये हमारे लेफ्ट लेग से हो गए, इसी को हम राइट लेग से स्विच करते हैं। मित्रों स्टार्टिंग सेम रहेगा, राइट से एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल। आपको यह ध्यान देना है कि आपके नी लॉक्ड होने चाहिए, बाकी अपर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना। बगैर जंप किए हुए भी जंपिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यह डंकी किक है, बारी बारी से 16 टाइम्स, 8 टाइम्स अपने फिटनेस पर, या आप अल्टरनेटली लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और भी ज्यादा डायनामिक फास्ट डायनामिक बना सकते हैं। डंकी किक एक्सेल 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 एक्सेल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गधे की लत्ती मार के किस तरह से हमारे एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो रहा, और इन पसीनों के साथ मित्रों हमारे शरीर की कई टॉक्सिक मटेरियल जो रह जाते हैं वो निकल रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पूरे बॉडी से स्वेटिंग हो रहा है। जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है अपने आप हमारी शरीर शुद्ध हो जाती है और मन भी शुद्ध हो जाता है। तो नियमित अभ्यास कीजिए और संपूर्ण लाभ उठाइए।